जब राजेश खन्ना के डर से अमिताभ बच्चन ने डिंपल कपाड़िया के साथ काम करने से किया इनकार। 1985 में डिंपल कपाड़िया ने बॉलीवुड में अपनी दूसरी पारी शुरू की, लेकिन उन्हें फिल्में दोयम दर्जे की ही फिल्म रही थी। इसकी वजह ये थी कि ए लिस्टर ज्यादातर अभिनेता उनकी शादीशुदा स्टेटस के कारण उनके साथ फिल्में करने को इच्छुक नहीं थे। ऐसे समय में जब निर्देशक टीनू आनंद ने उन्हें अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म शहंशाह में काम करने का ऑफर दिया तो वो काफी खुश हुई और फिल्म करने को तैयार हो गई। लेकिन जल्द ही टीनू ने फिल्म में डिंपल की जगह मीनाक्षी शेषाद्रिक को लेने का ऐलान कर दिया, जिससे डिंपल सन रह गई। दरअसल अमिताभ बच्चन फिल्म में डिंपल के साथ काम करने को ज्यादा उत्सुक नहीं थे, क्योंकि वो राजेश खन्ना के साथ अपनी पुरानी दुश्मनी को और हवा नहीं देना चाहते थे। ये तो सब जानते ही हैं कि खन्ना को डिंपल का फिल्मों में काम करना पसंद नहीं था, और जो भी अभिनेता डिंपल के साथ फिल्में कर रहे थे उन्हें खन्ना अपनी ब्लैकलिस्ट में डाल देते थे। खैर, जब टीनू ने डिंपल कपाड़िया को ये खबर दी कि उनकी जगह फिल्म में मीनाक्षी को लिया जा रहा है तो वो बुरी तरह नाराज हो गई। उन्होंने टीनू को कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन टीनू पर दबाव था। ऊपर से टीनू साइनिंग अमाउंट के पैसे भी वापस मांगने लगे, जिससे डिंपल ने साफ इनकार कर दिया। डिंपल जब पैसे वापस देने को राजी नहीं हुई तो टीनू ने पासा फेंकते हुए कहा कि अगर वो साइनिंग अमाउंट वापस करती हैं तो वो उन्हें अपनी अगली दो फिल्मों में अमिताभ की हीरोइन बनाएंगे। अमिताभ बच्चन के साथ काम करने को बेकरार डिंपल मान गई और उन्होंने पैसे वापस कर दिए। टीनू ने जल्द ही आलिशान और महाकाल नाम से दो फिल्में अनाउंस भी कर दी, लेकिन ये दोनों फिल्में कभी बनी ही नहीं।